अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजम्मल हुसैन, आप देख रहे हो ब्लॉग वन इन्फो। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत होंगे। मुझे आज ये डिलीवरी लाइन में काम करते हुए तकरीबन 2 साल 4 महीने हो गए। तो मैं सबसे पहले जो मेरा पहला वीक था ना जोमाटो में, तो मैंने ये दुबई हिल्स में आर्डर, एक ड्यूटी फिनिश होने वाली थी तो मैं आया था इधर आर्डर देने के लिए। तो उस टाइम में इस एरिया में कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक बिल्डिंग थी वो भी साथ में, उसके आसपास में कंट्रैक्शन थी, पूरा एरिया क्लोज था। मैंने फिर नो एंट्री में जा के आर्डर दिया था, तो वो आर्डर मेरा तकरीबन 1.5 घंटे में आर्डर मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि ये रास्ता बंद होने की वजह से और मेरा ये पहला दिन था। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको ये एरिया, जिस एरिया में मैंने आर्डर दिया पहला आर्डर, तो यानी कि पहला वीक था मेरा, पहला दिन नहीं था जोमेटो में, पहला वीक था मेरा। और मेरी रात 9 बजे ड्यूटी फिनिश होनी थी, तो मुझे आर्डर देते देते 11 बज गए तकरीबन। तो चलो आपको दिखाता हूँ जी कौन सी बिल्डिंग थी और कैसा एरिया है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के आगे शेयर कर दो। तो आगे देखते हैं, फिर आपको वीडियो देखने का मज़ा आएगा। मैं ये रोड के दूसरी तरफ खड़ा हूँ, तो ये शायद जूमिंग करते हुए आपको नज़र ना आए, बिल्डिंग नंबर 20 है। तो मैं आज इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भी जो मेरी तरह कम पढ़े हैं या कुछ किसी को पढ़ना नहीं आता, तो लोग उनको डिसअपॉइंट कर देते हैं कि उनको वो भी जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे कोई बंदा काम ना कर सके। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि मैं भी पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा जलील हुआ, जलील मतलब कि मुझे पता नहीं था एरिया का, पूछ के एरिया का पता चला और बराबर लोकेशन का भी नहीं पता था कि इसको मैप को कैसे चलाया जाता है। तो आपको बताने का यही मतलब था कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी जो नए बंदे आ रहे हैं। तो जैसे मैंने सीखा है, अभी मैं इस एरिया में बिना मैप के आ सकता हूँ, बस बिल्डिंग का नाम देखूँ और मैं ऐसे आ सकता हूँ। तो मैं इसलिए ये आपको सारी जगह दिखा रहा हूँ। तो उसके साथ ये तीन एक बिल्डिंग पूरी मुकम्मल हो गई थी, उसमें लोग रहने शुरू हो गए थे और बाकी अभी नहीं हुए थे। तो ये एरिया पूरा बंद था, इस एरिया में ना पूरा कंट्रैक्शन था। तो ये तो बिल्कुल थे ही नहीं, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग नहीं थी उस टाइम, ये भी नहीं थी, ये पीछे कोई भी बिल्डिंग नहीं थी और शुरू भी नहीं किया था। ये 1.5 साल में, तकरीबन 2.25 साल में सारा बना है। तो किसी का भी कुछ ना समझ आती हो तो वो किसी से पूछ ले, जैसे कि वो मैप पे ढूंढ ढूंढ के पागल नहीं हो जाए। जैसे कि किसी को किसी एरिया का नहीं पता चलता तो वो ढूंढते रहते हैं मैप को फॉलो करते रहते हैं। मैप को फॉलो करने से अच्छा है आप किसी बंदे से पूछ लो, किसी राइडर से, या किसी बिल्डिंग में कोई आसपास में कोई बिल्डिंग है उसमें सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके पूछो तो आपको सबसे ईजी रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और कमेंट करके बताओगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो और सबसे अच्छा फील होता है जब आप कमेंट करते हो, तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।